subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. जिस दीपिका को बॉलीवुड की मस्तानी कहा जाता था, जिस दीपिका के लिए सिनेमा हॉल तक पहुंच जाते थे सारे युवक, जिस दीपिका की एक झलक पाने के लिए बेताब रहता था पूरा देश, जिस दीपिका को कई लड़कियां अपना आइडल मानती थी, उस दीपिका का नाम जब ड्रग रैकेट के केस में आया तो सभी हैरान रह गए। जी हाँ, दीपिका पादुकोण का नाम आ चुका है ड्रग रैकेट में और इस खबर ने सभी को हैरान कर दिया है। लेकिन इसी के साथ साथ क्वान कंपनी, जो कि टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी बताई जाती है, कही जाती है, वो भी अब निशाने में आ गई है। जी हाँ, एनसीबी ने क्वान कंपनी के सीईओ की स्टेटमेंट लेने के लिए उन्हें अपने दफ्तर बुला दिया है और इन्हीं के साथ जया शाह भी आ गई है। जी हाँ, जया शाह सबसे ज़्यादा बवाल मचा रही हैं और इन्हीं के फ़ोन से सबसे बड़े बड़े सबूत निकल कर सामने आ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दिया जाए तो क्वान कंपनी के सीईओ यानी कि ध्रुव और जया शाह दोनों के दोनों अभी एनसीबी के ऑफिस में हैं और इनके साथ लगातार पूछताछ चल रही है। वेल, ये क्या नए नाम सामने लाते हैं और किन नए फिल्म एक्टर्स को बेनकाब करते हैं, ये जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.